बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक व सल्लम। मौज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रूहानी वज़ाइफ़ और अमलियात के इस सिलसिले में मैं मोहम्मद सलमान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो माल और दौलत की फरावानी के हवाले से और इल्म के हुसूल के लिए एक लाजवाब अमल है। इसको करने से आप माल और दौलत और इल्म का एक ख़जाना हासिल कर सकते हैं। इस अमल को अगर मैं अर्श की तरफ अर्श का तोहफ़ा कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्योंकि ये वो अमल है कि इस अमल को करने से आपके माल में आपके इल्म में इजाफ़ा होता है। अगर आप तंगदस्त हैं, आप परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, कर्ज़ों में गिरफ़्तार हैं या इस तरह के कोई भी मामलात हैं या कोई इल्म हासिल करना चाहते हैं किसी भी तरह का, चाहे दुनियावी या रूहानी कोई इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो इन तमाम ही मामलात के लिए ये अमल इंतहाई मुफीद है, इंतहाई मौसर है। मौज़ सामईन, अगर आप इल्म के ख़जाने के हुसूल के लिए कोशा हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप इस अमल को लाजमी करें। अमल इंतहाई आसान है। आपने करना ये है कि आपने अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल हय्युल क़य्यूम बदीउस समावाति वल अर्द मिन जमीई जुर्मी व ज़ुल्मी व इसराफी अला नफ्सी व अतूबु इलैह। इस अस्तग़फार को आपने 400 मरतबा पढ़ना है माज़रत, और अव्वल आखिर 14 मरतबा आपने दुरूद शरीफ़ पढ़ना है। 400 मरतबा आपने इस्तिग़फ़ार पढ़नी है और अव्वल आखिर 14 मरतबा आपने दुरूद शरीफ़ पढ़ना है, और इसको आपने मुतवातिर 2 माह तक पढ़ना है। जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह करीम आपके माल और दौलत में इजाफ़ा करता चला जाएगा और आपके पास ख़ुद ब खुद एक ऐसी क़ुव्वत के ज़रिए इल्म आना शुरू हो जाएगा कि आप खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे कि ये जिस मुतालिक मैं कलाम कर रहा हूँ मैंने कभी इसके मुतालिक पढ़ा नहीं या मुझे इसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं थी तो मैं बात कैसे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह करीम ये एक ऐसा अमल है जो इसको करेगा इंशाल्लाह वो बहुत फ़ायदा उठाएगा। अगर आपको रूहानी मामलात में किसी भी तरह से मेरी मदद दरकार है तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप इस पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह करीम आपके मसले का जो भी मुनासिब हल होगा वह तजवीज़ करा जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।